देवरानी जेठानी की लड़ाई, मतलब एक और नई कंट्रोवर्सी क्या फिर से स्टार्ट होने जा रही है? कौन सही कौन गलत? तो फ्रेंड्स, सबकी बात की जाएगी। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की सब पे कृपा रहे, है ना? और सब अपने अच्छे से कर्म करिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे अभी कंटिन्यू नहीं हूँ, ठीक है? आप लोगों को पता ही है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में फैमिली टाइम दे रही हूँ। मेरे लिए मेरी पहले फैमिली है। यूट्यूब बहुत बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक है? जब बात आती है आपकी फैमिली की, जब बात आती है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की अपने इन लॉज के साथ, तो पूरा टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए बात करेंगे। काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें अभी नहीं देखी हैं, लेकिन जितना देखा है उस पर बात करनी ज़रूर बनती थी। तो चलिए बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चैनल जो है मेरा, ठीक है, मैं इस पर अभी नहीं आई हूँ। मैं बहुत टाइम से रिएक्शंस दे रही हूँ और यहाँ पर सच का साथ देती हूँ। जो मुझे लगता है सही है उसको सही बोलती हूँ, और जो गलत है उसको गलत भी बोला जाता है डंके की चोट पर, बिना डरे। चाहे वो लखनीत वाला टॉपिक ले लीजिए, कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत सारी फैमिलीज़ में चलती हैं, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन देती हूँ खुल के। और टैग की जहाँ तक बात रही, कभी किसी ने नहीं कहा कि आप हमारा टैग यूज़ मत करो, लेकिन हाँ, जिनको डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम है हमारा टैग यूज़ करने से, अगर उनको लगता है कि मैं उनका टैग यूज़ करके मेरे को व्यूज़ मिल रहे हैं, तो नहीं करा जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं अगर टैग यूज़ नहीं करती हूँ तो भी जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे को सुनना चाहते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो फिर भी आएंगे सुनने, ठीक है? और जिन पे रिएक्शन वीडियो बनता है, खैर वो लोग तो सुनते ही हैं, कमेंट्स भी करते हैं। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल अगर आपको लगता है टैग यूज़ नहीं करना, तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये अपनी बात तो मैं ज़रूर रखने आऊँगी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब आपके सब्सक्राइबर्स, ठीक है, देवरानी जेठानी की बात कर रही हूँ, लिख रहे हैं, ठीक है, तो वही सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कितने सालों साल आप लोग कंटेंट डाल रहे हैं ना, मैं यहाँ दोनों को ही कह रही हूँ, तो वो आपको देखते हैं, ठीक है। चीज़ें उन्होंने आपकी देखी हैं, आपकी कम्युनिटीज़ देखी हैं, शॉर्ट्स देखी हैं, वीडियोज़ देखी हैं, उसके आधार पर एक चीज़ें बोलते हैं। चलिए, उन सब्सक्राइबर्स को गाली भी पड़ती है, लेकिन यस, मुझे कल का वीडियो जो मैंने देखा था कामिनी जी का, जहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर्स के फेवर में वीडियो बनाया था, और अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, जब कुछ समझ नहीं आता तो यही जो ब्लॉगर्स होते हैं, सारा का सारा ठीकर अपने सब्सक्राइबर्स पर थोप देते हैं। तो इस इनिशिएटिव को मैं अच्छा कहूँगी, जहाँ पे सब्सक्राइबर्स के लिए गलत बोला जा रहा था, इन्होंने आके साफ साफ बोला है कि ये वही सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें देखते आ रहे हैं, ठीक है। वो कोई एक पर्टिकुलर परिवार के या कुनबा के लोग नहीं हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं। सब्सक्राइबर्स कहाँ कहाँ से नहीं है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन यस, जस्ट बिकॉज जो आप वीडियो में दिखा रहे हैं उन्हें गलत लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि एक पार्टी का फेवर करेंगे, जो गलत लगेगा उसको गलत बोलेंगे। मेन बात है, आप सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं तो लोगों का पूरा राइट है बोलने का, लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल फेवर नहीं कर रही हूँ कि आप किसी बच्चे के लिए गलत बोल रहे हैं या किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे देवरानी की बेटी को गलत बोला जाता है, तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई है। जहाँ पे देवरानी या फिर जो जेठानी को गलत बोला जाता है, तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, है ना? और बॉडी शेमिंग की मैं अगेंस्ट हूँ, मैं शुरू से बोलती भी आई हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ कम्युनिटीज़ पढ़ी थी, कम्युनिटी लगाई गई, लेकिन अभी कम्युनिटी डिलीट कर दी गई है, ठीक है। नई कम्युनिटीज़ लग गई हैं, शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा, है ना। सच्चाई की कोई बात कर रहा है तो कोई चक्रव्यूह की बात कर रहा है कि अभिमन्यु समझा गया है मैं, तो इस तरह से चीज़ें लिखी जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग और चैनल्स के थ्रू भी सुन रहे हैं, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो खैर हमें वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कामिनी है, कामिनी के, मैंने जिसे पहले भी बोला था, जो इन्होंने एक दो दिन पहले रुद्राभिषेक हुआ है, आपने देखा होगा, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो टाइटल लगाया था, मैं पहले उसकी बात कर लेती हूँ। अच्छा, इस टॉपिक पे ना मैं वीडियो पहले भी बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, राइट। मैंने इनके